विशेष मसीह धर्म मानने वाले लोगों के साथ में जो असंवैधानिक कृत्य हुआ, उनका धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार का हनन हुआ, उनका मौलिक अधिकारों को कुचलते हुए दौड़ा दौड़ा करके जो मारा गया, जिसका वीडियो फुटेज भी है, गांव में कुछ लोग घुस के गांव के लोगों को भड़काया गया, इसका भी वीडियो फुटेज है, जहां पे महिलाओं को पुरुषों को मारा गया, इसका भी वीडियो फुटेज है, और 22-23 अगस्त का घटना, आज 23 सितंबर तक का कोई कार्रवाई नहीं होना, थाना बारसूर का TI या फिर थाना के अंतर्गत का जो भी कार्रवाई हुआ है वो जांच के प्रणाली में आता है। अपना खुद का जमीन है परदादा का, उसमें हम लोग दफन करेंगे, ऐसा बात रखे हैं हम लोग, फिर उन लोग नहीं माने, फिर भी हम लोग ऊपर उसके बाद लाठी चार्ज, डंडा से, जूता से, चप्पल से, हाथों से, लाठी से, लोग आए थे और वहाँ पे लोगों को पीटा गया। हाँ, वहाँ पे हम लोग के जो साथी लोगों को मारे हैं, उन लोगों को, उन लोगों के कम से कम 19 लोग थे, मतलब मारे हैं। ईसाई समाज के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर केवल धक्का मुक्की का केस दर्ज किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। तो मेरे प्रियो, अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों के साथ मारपीट किया गया है। जी हाँ, इस प्रकार की जो घटना है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर जिले से ये घटना आ रही है, जहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर कम से कम 28 से 30 मसीह लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, मारा गया है। जी हाँ, किस कारण से मारा गया है कि एक क्रिश्चियन की डेथ हो गई, उनका मृत्यु हो गया था, तो उनको दफनाने के लिए अपने ही जमीन में उनको दफना रहे थे, अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन लोगों ने विरोध किया। बताया जा रहा है कि बाहरी लोग आकर वहाँ के ग्रामीणों को भड़काया, और ग्रामीणों ने मिलकर मसीही जो लोग थे जो शव को दफना रहे थे उनके साथ मारपीट किया गया, और मारपीट ऐसा हुआ है कि डंडे लाठी से मसीह लोगों को मारा गया है, पीटा गया है। कृपया करके हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मसीह लोगों को मदद करें, सहायता करें, उनकी रक्षा करें। तो इस प्रकार की जो घटना है छत्तीसगढ़ में लगातार आ रही है, वहाँ पर जो धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और धर्म के नाम पर हिंसा का मुद्दा वहाँ पर उठ रहा है। जी हाँ, तो इस प्रकार की जो घटना है छत्तीसगढ़ में ये घट रहा है। पिछले भी कुछ दिनों में इस प्रकार का विवाद हो गया था, जहाँ पर एक मसीही महिला को मारा गया था। जी हाँ, उनको इतना चोट लगा था कि उनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर ये दंतेवाड़ा में इस प्रकार की घटना घटी है कि मसीह लोग जो शव को दफनाने के लिए जा रहे थे, तो लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और मसीही लोगों ने आंदोलन भी किया है, पुलिस के पास गए हैं, उनसे कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन एक मामूली सा विवाद हो गया, इस प्रकार से ये पुलिस भी जो उचित कार्रवाई नहीं कर रही, इस प्रकार से खबरें आ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर जिले में ईसाई धर्म मानने वालों के साथ मारपीट, अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। जी हाँ, अंतिम संस्कार को लेकर ये मारपीट किया गया है। मसीही लोगों ने कोई हमला नहीं कर दिया, मसीही लोग शांतिपूर्वक जो जिनका डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था, उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग आकर उनको मारने लगे, पीटने लगे, और जो मसीही लोग अपनी जान को बचाकर भागने लगे, जंगलों में छुप गए, इस प्रकार का ये जो खबर है वो आ रही है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर जिले के स्थित कोशलार गांव में एक क्रिश्चियन भाई की मौत के बाद अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा विवाद हो गया। ईसाई धर्म मानने वालों का आरोप है कि गांव के लोगों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारपीट किया है और अंतिम संस्कार करने से रोका है। कि उन्होंने कहा है कि अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे, इस प्रकार से मसीह लोगों के साथ मारपीट किया है। इस मामले को लेकर क्रिश्चियन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि गांव के लोगों ने उन्हें अपने धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करने से रोका है और मारपीट की है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार से पुलिस प्रशासन का कहना है। घटना ने एक और बार धर्म का मुद्दा और हिंसा का मुद्दा उठा दिया है। घटना यह साबित करती है कि अभी भी हमारा जो समाज है वो धर्म के नाम पर लड़ रहा है, तो हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। तो मेरे प्रिय, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रार्थना करें, और लोगों को एकजुट होने का बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं वो होती रहेगी। और मसीही लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाया जा रहा है।